Love Logics. हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। प्रीतम और रूपल दोनों एक साथ फिल्म इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कर रहे थे। प्रीतम एक्टिंग कोर्स कर रहा था और रूपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स में थी। दोनों के ब्रांच अलग होने के बावजूद भी उनके बीच की दोस्ती बहुत ही पक्की हो गई थी। क्लास से पहले, क्लास के बाद, लंच ब्रेक या फिर कॉलेज में कोई भी पार्टी हो, दोनों एक साथ ही दिखते थे। फिर एक दिन सीनियर बैच के फेयरवेल पार्टी में प्रीतम अभी तक पार्टी में नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। ओहो रूपल, लड़का है वो, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा, उसे एंजॉय करने दे। चल हम दोनों अंदर चलते हैं। शालिनी, तुझे तो अच्छी तरह से पता है कि प्रीतम मेरे बिना कहीं नहीं रहता, वो आ ही रहा होगा, वेट करना प्लीज। हाय रूपल, सॉरी यार लेट हो गया। क्यों लेट हो गए? हाँ मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शालिनी देखा ना तुमने, प्रीतम मेरे बिना कहीं भी एंजॉय नहीं करता, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हाँ अब तो अंदर चलो। रूपल इतनी रात हो गई, तू किससे बात कर रही है? शालिनी तू जा सो जाना, मैं प्रीतम के साथ बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके। शालिनी तू सोई नहीं अभी तक? नहीं मैं तेरे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या? यही कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तू धीरे धीरे प्रीतम से प्यार करने लगी है। प्यार? मैंने तो प्यार व्यार के बारे में अभी तक नहीं सोचा, पर एक बात जरूर है कि जब मैं प्रीतम के साथ होती हूँ सारी दुनिया भुला देती हूँ। मैं उसके साथ बहुत एंजॉय करती हूँ सच में। मुझे इसी बात का ही डर है कि वो एक्टिंग ब्रांच में है, पास आउट के बाद वो एक जाना माना हस्ती, फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस कैरेक्टर बन जाएगा, पर तू एक मामूली सा प्रोडक्शन मैनेजर बनेगी। उस वक्त वो शायद अपना फेम बचाने तुझे अवॉइड करेगा, क्या पता पब्लिक में पहचानने से ही इनकार कर दे। नहीं शालिनी ऐसे मत बोल, वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अगर कर लिया तो तेरा हार्ट ब्रेक होगा, तू बहुत रोएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, एंड आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। शालिनी के समझाने के बाद भी रूपल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर से प्रीतम को सामने देखते ही सब कुछ भुला देती थी। फिर एक दिन, प्रीतम तेरी तो लॉटरी लग गई, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री मिली है तुझे। हाँ हाँ कैसे नहीं मिलता, लड़का तो हमारा एकदम हीरो मटेरियल है, बस इस प्रोजेक्ट के बाद उड़ने लगेगा, देखना तुम कितनी सारी मॉडल्स आगे पीछे मंडराती रहेंगी। मैं इस प्रोजेक्ट पे अच्छा काम करना चाहता हूँ, ताकि यही मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू हो जाए। क्या बात है मैडम, दुखी क्यों हो? देखना शालिनी, प्रीतम मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा। आदत डाल ले रूपल, क्योंकि सुनने को मिला है उससे अभी से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, मुझे तो लगता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार? तू भी ना रूपल, बहुत भोली है, दो पल के हंसी मजाक को प्यार समझ बैठी। क्या कहना चाहती है तू? हाँ देख, शायद तुझे ये सब दिखाई नहीं देता, पर प्रीतम यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। अगर वो तुझसे प्यार करता तो ये सब कभी नहीं करता। अरे मुझे तो लगता है कि वो बस
तेरे साथ अपनी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ नहीं। आज रूपल को शालिनी की बातें चुभने लगी, इसीलिए वो इस बात की तसल्ली करने प्रीतम को ढूंढते हुए उसके क्लासरूम के तरफ चली गई। प्रीतम, यू लुक सो हैंडसम, मैं तो तुम पे जान छिड़कती हूँ, पर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों मारते हो बेबी? चलो ना, आज रात मेरे रूम पे चलते हैं। ओ नो बेब, आई एम बिजी टुडे, नहीं तो पक्का आ जाता। ओप्स, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू बेब। हे प्रीतम प्यारे। हाय स्वीटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ, सो स्वीट, आज रात का प्लान याद है ना? अरे हाँ डार्लिंग, इसीलिए तो बाकी सारा प्लान कैंसिल कर दिया। वेरी गुड, अब चलो मेरे नए कार में लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओ न्यू कार, कूल। इसका मतलब शालिनी सही बोलती है, प्रीतम मेरे साथ उसका स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करता रहता है, बाकी ये आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों के साथ रात बिताता है। मैं भी आज से उसे कॉल नहीं करने वाली, बहुत हो गया ये दोस्ती दोस्ती का खेल। प्रीतम के साथ रूपल बात करना बंद कर दी, बस अपने क्लासरूम में जाती थी और लेक्चर खत्म हो जाने के बाद चुपचाप वापस रूम पे आ जाती थी। प्रीतम उससे कई बार कॉल किया, पर रूपल उसके कॉल्स को ठीक वैसे ही अवॉइड की जैसे प्रीतम पहले करता था। फिर एक दिन, एक्सक्यूज मी, रूपल कहाँ है? ओह हैंडसम प्रीतम, आज हमारे ब्रांच में? वेयर इज रूपल? अरे प्रीतम, क्यों उस रूपल के पीछे पड़े हो? बिल्कुल भी मैच नहीं होती तुमसे। रूपल कहाँ थी तुम? मेरे कॉल्स क्यों पिक नहीं करती? ओ शट अप प्रीतम, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मेरे साथ टाइम पास मत करो, अब जाओ तुम्हारे ब्रांच के उन आधी नंगी तितलियों के साथ गुलछरियां उड़ाओ, गलती से भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रूपल ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे ये सब बोल रही हो? मैंने किया क्या है? प्लीज फॉर गॉड्स सेक नाटक बंद करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, अब जाओ यहाँ से। रूपल के बार बार मना करने के बाद भी प्रीतम वहां से नहीं गया, और आखिर में रूपल वही सारी बातें बता दी जिससे सुनके वो प्रीतम के ऊपर गुस्सा हुई थी, और प्रीतम वो सब सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। रूपल सीरियसली, इसका मतलब तुम कल की रिहर्सल की बात कर रही हो? इतनी सारी डायलॉग्स याद रखी हो, पर वहां पे कैमरा, डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स किसी को नहीं देखी? पागल हो तुम तो। क्या कल शूटिंग चल रहा था वहां पे? हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया था मैंने। इस बार रूपल प्रीतम की बातों पे यकीन तो कर ली, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसे ऐसे लगने लगा था कि वो सच में प्रीतम से प्यार करने लगी है, और उसे इस बात का डर था कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं। उसकी रूममेट शालिनी उसे हर रोज सलाह देती रहती थी कि वो प्रीतम से दूर हो जाए, पर रूपल चाहकर भी खुद को प्रीतम से दूर नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन, मैं प्रीतम को बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उसे, अब उसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है। आज उसे सारी बातें बता दूंगी, एंड आई एम श्योर वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। रूपल के मन में ऐसे ही कई सारे ख्याल आ रहे थे, पर इस बार वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा प्रीतम के पास चले जा रही थी उसे अपने प्यार का इजहार करने। What is this, रूपल रूपल रूपल, सीरियसली प्रीतम, देखो यार हम सब मॉडल हैं और एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं, एक्टिंग कोर्स, आज नहीं तो कल हम एक एक फिल्म स्टार बनेंगे,
और थोड़ा सोचो, उस टाइम तुम ये रूपल के साथ, एक प्रोडक्शन मैनेजर के साथ दोस्ती निभाओगे? शिट यार। हाँ प्रीतम, ये शनाया एकदम सही बोल रही है। अभी से क्लास मेंटेन करना सीख ले, नहीं तो बाद में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग भी ना, रूपल मेरी एक अच्छी दोस्त है बस, और वैसे भी उससे बात करते करते मैं कुछ डायलॉग्स का रिहर्सल कर लेता हूँ, दैट्स इट। और एक फायदा है कि वो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में मदद कर देती है, पढ़ाकू है ना। आई फील सो रिलैक्स्ड, इसीलिए मुझे रूपल के साथ दोस्ती कभी नहीं तोड़नी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वाओ, यू आर सो स्मार्ट। वाह प्रीतम वाह। रूपल तुम? प्लीज अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, I'm fine। मुझे समझाने मत आना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रूपल प्लीज, रूपल। आज मुझे यकीन हो गया कि प्रीतम के मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो बस मेरे से काम निकलवाना चाहता है, मुझसे प्रोजेक्ट बनवाना, स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करना, झूठ मूठ का दोस्ती निभाना, बस यही करता रहता है। और मैं पागल उससे इतना प्यार कर बैठी। रूपल अकेले में बहुत रोया करती थी और उसे ऐसे रोते हुए तड़पते हुए उसकी सहेली शालिनी छुप छुप के देखती रहती थी। वो तो हर बार कोशिश करती थी कि रूपल प्रीतम को भूल जाए, पर क्या फायदा हुआ। फिर 7 दिन बाद रूपल प्लीज ऐसे मत रो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने तुझे शुरू से बोला था कि प्रीतम अच्छा लड़का नहीं है, भूल जा उसे, पर तू तो। रूपल 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 कहाँ हो तुम? प्रीतम तुम यहाँ पे और इतनी रात गए, तुम अंदर कैसे आए? गेट कूद के खिड़की से अंदर आया हूँ। 7 दिन से तुम मेरा कॉल पिक नहीं कर रही हो, और उस दिन मुझसे बिना बात किए ऐसे गुस्सा होकर आ गई, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। प्रीतम यू आर नॉट अलाउड हियर, प्लीज जाओ यहाँ से। शालिनी प्लीज, मुझे रूपल से कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें रूपल से कोई बात नहीं करने दूंगी। प्रीतम रह क्या गया है अब बात करने के लिए, चले जाओ यहाँ से प्लीज। रूपल हंसी मजाक में मैं बोलने को कुछ भी बोल देता हूँ, ताकि कोई हम दोनों के रिलेशनशिप को जज ना करे। सबके सामने मैं बस यही जताना चाहता था कि हम दोनों बस कैजुअल दोस्त हैं। I'm so sorry if I hurt you। फिर से झूठ, अब मुझसे प्रोजेक्ट बनवाने आए हो क्या? अगर दोस्ती रखे बिना ही तुम मुझसे हेल्प मांगोगे तब भी मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद कर दूंगी, या फिर स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने में। फिर ये नाटक क्यों? बंद करो ये नाटक। रूपल मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। डू यू रियली थिंक कि मेरे साथ स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने कोई लड़की राजी नहीं होगी? तुम भी अच्छे से जानती हो हमारे बैच की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। बट आई नीड यू, तुम क्यों नहीं समझ रही? प्रीतम आई लव यू रूपल, आई लव यू, एंड यही सच है, बाकी सब झूठ। प्रीतम के मुंह से ये 2.5 अक्षर प्रेम की सुनते ही रूपल उसे कसके पकड़ ली और फूट फूट के रोने लगी। अगले दिन से प्रीतम और रूपल बस एक कैजुअल दोस्त की तरह नहीं, बल्कि प्रॉपर कपल्स के लिस्ट में गिने गए। अब दोनों और नजदीक आ चुके थे और डिप्लोमा खत्म होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने को भी मन बना लिए थे। रूपल अपने ब्रांच में पढ़ाई में, प्रोजेक्ट में, फील्ड वर्क में सबसे आगे थी, और प्रीतम अपने बैच में सबसे हैंडसम, डैशिंग, सबका चहेता और बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। उसे कोर्स के आखिरी ईयर में ही कई सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और वेब सीरीज के ऑफर्स मिल गए थे। वो अक्सर स्क्रिप्ट डिस्कशन, शूटिंग और पार्टीज अटेंड करने में बिजी रहता था, पर फिर भी रूपल के साथ उसके रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के काम को समझते थे और स्पेस भी देते थे।
शालिनी, क्या बात है? तू मेरे से बात करना ऑलमोस्ट बंद कर चुकी है। तू मुझसे नाराज है क्या? नहीं, मैं तेरे साथ क्या बात करूं रूपल, तू तो बिजी रहती है ना अपने हीरो प्रीतम के साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीतम और मैं वो टिपिकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह कभी भी फोन पे लगे नहीं रहते, या फिर कॉलेज में हाथ पकड़ कर भी नहीं घूमते। फिर उसका बहाना क्यों दे रही है? व्हाटएवर, अब तो हमारा फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गया है, 2 दिन बाद फेयरवेल पार्टी है, उसके बाद हम सब अलग हो जाएंगे। फिर ये दोस्ती यारी का क्या मतलब? शालिनी, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? क्या तेरे मेरे बीच बस एक कैजुअल रूममेट का ही रिश्ता है? ओह प्लीज रूपल, मैं कोई बात नहीं करना चाहती, लीव मी अलोन। शालिनी के बिहेवियर से रूपल को बहुत बुरा लगा। और 2 दिन बाद उनके बैचमेट्स एक रिजोर्ट पहुंचे, जहां पे उनका फेयरवेल पार्टी का अरेंजमेंट हुआ था। उफ, अचानक से मेरा सर क्यों इतना दुख रहा है? आहा, I can't take it. रूपल, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे डांस के बीच में वहां से चली आई? प्रीतम, पता नहीं अचानक से मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है। ओ डोंट वरी, मैं यहाँ पे किसी से पूछता हूँ, मेडिसिन होगा तो ले लेना। नहीं, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। पर ऐसे पार्टी के बीच में? तुम हो ना, मुझे बाद में बता देना क्या क्या हुआ। अब तुम एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। क्या तुम अकेली जाओगी? मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। मैं बच्ची हूँ क्या जो तुम मुझे छोड़ने जाओगे? डोंट वरी प्रीतम, तुम जाओ, पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। ओके, रूम पे पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। श्योर, बाय। आई लव यू रूपल, टेक केयर, बाय। सरदर्द की वजह से रूपल पार्टी बीच में छोड़ के रूम पे चली गई और प्रीतम यहाँ पार्टी में रुका। कॉलेज का लास्ट डे है, इसके बाद सब अलग हो जाएंगे। इसी बात के चलते सब के सब नशे में चूर थे। आधी रात तक पार्टी चलती रही, फिर सब अपने अपने घर चले गए। और अगले दिन सुबह कल ऐसे अचानक से पार्टी छोड़ के चली आई, प्रीतम बहुत अपसेट होगा। कोई बात नहीं, मुझे वो सामने देखते ही सारा गुस्सा थूक देगा और हम दोनों मिलके आज ही एक अच्छा सा घर ढूंढने निकल जाएंगे। आगे की लाइफ की प्लानिंग वही नए घर से शुरू करनी है। यस। हेलो, तुम कौन हो? कौन हूँ? जिसके घर में हूँ और जिस ड्रेस में हूँ, ये देखने के बाद तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कौन हो सकती हूँ? नहीं आया समझ, सीधा सीधा बोलो, कौन हो तुम? मैं प्रीतम की गर्लफ्रेंड, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अब ये बताओ कि तुम कौन हो और सुबह सुबह यहाँ पे क्यों आई हो? मैं प्रीतम की गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? तुम और प्रीतम की? प्रीतम एक मॉडल है, मॉडल, और तुम बहन जी किसी छोटे टाउन से चंदा मांगने वाली लगती हो। वेट वेट, आई हैव सम चिल्लर। व्हाट नॉनसेंस, जाओ यहाँ से, मूड खराब मत करो। प्रीतम को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। प्रीतम? उफ, वो तो पूरी रात मेहनत करता रहा, अब बेचारा सोया हुआ है। मैं उसे जगा के उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती। तुम जाओ यार यहाँ से, सुनाई नहीं देता? मैं प्रीतम से बात किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ओ बहन जी, तेरी जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। प्रीतम और मेरा रिश्ता कल रात से नहीं, पिछले 3 सालों से है, और हमारे फैमिली हमारी शादी पक्की कर दिए हैं। कल रात को फेयरवेल पार्टी के बाद प्रीतम का थोड़ा मूड बन गया था, तो उसने मुझे बुला दिया। अब मैं यहाँ पे 1 हफ्ते तक रहने वाली हूँ। अगर तू फिर कभी यहाँ पे दिखाई दी तो तुझे थप्पड़ मार मार के भगाऊंगी, याद रखना।
आप ये सब गेट लॉस्ट नॉनसेंस। प्रीतम के दरवाजे पे खड़े होकर इतना बेइज्जत होने के बाद रूपल चुपचाप वहां से चली आई। रूपल तू रो क्यों रही है, क्या हुआ तुझे? तू तो प्रीतम से मिलने गई थी ना। शालिनी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बता तो सही हुआ क्या है? रूपल के साथ सुबह जो भी हुआ उसने सारी बातें शालिनी को बताई। एग्जैक्टली मैं यही समझाना चाहती थी तुझे, पर तू तो मेरी एक ना सुनी। प्रीतम प्रीतम करके उसी के आगे पीछे घूमती रही। अब एक ना एक दिन ये तो होना ही था, फिर क्यों रो रही है? शालिनी अब मैं क्या करूं? खुद को स्ट्रॉन्ग बना और चुपचाप यहाँ से घर चली जा। प्रीतम जैसे इंसान को तू सुधार नहीं सकती, क्योंकि ये बस आज या कल की बात नहीं, जब से वो यहाँ कॉलेज में आया है तब से लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उनको अपने फ्लैट में लेके जाना और बाकी तो तू देख के आई है। मैं और क्या बोलूं? मैं उस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज से मेरे लाइफ में प्रीतम का चैप्टर क्लोज। रूपल प्रीतम का कॉन्टेक्ट नंबर अपने मोबाइल से डिलीट की और सामान पैक करके सीधा अपने घर चली आई। अगर प्रीतम के मन में मेरे लिए कुछ भी होगा तो वो मुझे जरूर कॉल करेगा, मैं तब तक उसका इंतजार करूंगी। एक दिन नहीं दो दिन नहीं, प्रीतम के कॉल का इंतजार करते करते पूरे 2 महीने बीत चुके थे। ना तो प्रीतम ने रूपल को कॉल किया और ना ही उसे मिलने की कोशिश। अब रूपल के मन में प्रीतम के कैरेक्टर पे जो डाउट था वो कंफर्म हो गया था कि प्रीतम एक नंबर का आवारा लड़कीबाज है। धोखेबाज प्रीतम मेरे लाइफ को हेल कर दिया, इतना बड़ा धोखा एक ही पल में मुझे भुला दिया। एक बार कॉल करके मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। नहीं बस अब और नहीं, बहुत हो गया। रूपल खुद को संभाली और कुछ दिनों तक उसके घर पे रहने के बाद जॉब ढूंढने मुंबई चली गई। रूपल तुम्हारा एकेडमिक स्कोर और फील्ड वर्क रेटिंग बहुत ही अच्छा है। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते समय तुम इतने सारे फील्ड वर्क कर चुकी हो, आई एम सरप्राइज्ड रियली। थैंक यू सर। सर? अरे नो नो यार, डोंट कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी अनुराग। फिल्म इंडस्ट्री में सर वर मत बुलाया करो, बुढ़ा होने का फीलिंग्स आता है सीरियसली। ओके अनुराग। यस वेरी गुड। एंड रूपल इफ यू डोंट माइंड तुम कल से ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि नाउ वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके श्योर नो प्रॉब्लम, मैं कल से ही आ जाऊंगी। कूल सी यू देन। सी यू थैंक्स। रूपल अगले दिन से ही अनुराग प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू कर दी। वो तो शुरू से थी ही टैलेंटेड, अब यहाँ पे आते ही कम दिनों में बहुत कुछ सीख ली। कोई भी काम उसे थमा दो तो वो अपना 100% देके उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करती थी। अब धीरे धीरे वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्शन मैनेजर बन गई। फाइनली आज संडे है, पूरा दिन रेस्ट करूंगी। हफ्ता भर भाग दौड़ करके पूरी हालत खराब हो गई है। हेलो गुड मॉर्निंग अनुराग। रूपल यार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है। ओह नो 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 प्लीज अनुराग, आज मुझे रेस्ट करना है। आई अंडरस्टैंड रूपल, पर ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े स्टार की है, इसका काम कर लोगी तो तुम्हारा करियर एकदम सेट हो जाएगा। अरे यार ऐसे टिपिकल बॉस की तरह लालच मत दो, काम है करना पड़ेगा, आ रही हूँ। थैंक्स रूपल। सुनो 1 घंटे में आ जाओ, क्योंकि वो सब मीटिंग के लिए पहुंचने वाले हैं अभी।
या सी यू। रूपल का संडे मूड तो एकदम खराब हो गया था। अब वो बिना देर किए झट से तैयार होकर ऑफिस निकल गई। और यहाँ पे अनुराग प्रोडक्शन हाउस में मीटिंग कब से शुरू हो चुका था। देखिए, आपके आर्टिस्ट को मैं अपना बेस्ट प्रोडक्शन मैनेजर दे रहा हूँ। शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू बी वरीड एट ऑल। वो अपने काम में बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर आपकी बेस्ट मैनेजर है कहाँ? संडे है इसलिए पहुंचने में लेट हो रहा होगा, आई एम श्योर। वैसे वो तो आती ही होगी, पर आपने बोला था कि आपके आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, वो कहाँ है? उन्हें बुला दीजिए ताकि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम भी आगे बढ़ाया जाए, क्या कहते हैं? हेलो एवरीवन। हाय प्रीतम, प्लीज हैव अ सीट। ओके अनुराग, मुझे एक शूट पे जाना है, सो मेक इट फास्ट। हेलो। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ रूपल, इनसे मिलो। रूपल? प्रीतम? प्रीतम यहाँ पे? क्या अब मुझे प्रीतम के साथ काम करना पड़ेगा? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाय रूपल। प्रीतम, आप जानते हैं रूपल को? हाँ, कॉलेज में थी हमारे साथ, प्रोडक्शन ब्रांच में। दूर से एक दो बार देखा था बस। वैसे हम मॉडल्स इनके ब्रांच में जाना इतना पसंद नहीं करते थे। या ऑफ कोर्स, आप तो हमेशा शूटिंग में बिजी रहते होंगे, है ना? ओह नो नो, वी हैड इनफ टाइम, बट एक्चुअली हम इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। ओह ओके, रूपल और आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, दैट विल बी ईजियर टू वर्क टुगेदर। सो शैल वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट? ओ या श्योर, गो अहेड। शायद रूपल को उसी वक्त प्रीतम के लिए काम करने मना कर देना चाहिए था, पर वो प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो प्रीतम के अगले प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन मैनेजर बन गई। पर प्रीतम इस डील को पर्सनली लिया था। दिन भर कितना काम करवाता है ये प्रीतम, बिना मतलब के कुछ ना कुछ काम बोलता ही रहता है। पता नहीं मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद अब कौन सा बदला ले रहा है। इतना रुला के मुझे चैन नहीं मिला उसे, जो ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे पहुंच गया मेरा जीना हराम करने। उफ, ऑलरेडी रात के 1 बज चुके हैं, सो जाती हूँ, सुबह होते ही फोन करके फिर से बुला लेंगे सेट पे। अगले दिन सुबह होते ही रूपल तैयार होकर प्रीतम के शूटिंग सेट पे पहुंच जाती है। रूपल मैडम, शूटिंग रात के 4 बजे से शुरू हो चुकी है और तुम अब आ रही हो? सर, मैं तो सारा काम कल से ही खत्म करके गई थी, फिर सुबह जल्दी आने की क्या जरूरत थी? शट अप, तुम्हारे कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं जब चाहूँ जितनी देर तक चाहूँ तुम्हें यहाँ पे रख सकता हूँ, चाहे काम हो या फिर ना हो। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। अब जाओ, मेरे लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर करो। ओह डार्लिंग प्रीतम, आई मिस्ड यू सो मच। हे लीला, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आज रात को क्या कर रही हो? हेलो मिस, यहाँ पे खड़े खड़े हम दोनों की बातें सुन रही हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर करो। यस सर। पता नहीं खुद को क्या समझता है, अभी तक लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। रूपल प्रीतम के बारे में ऐसे ही कुछ सोच रही थी और तभी प्रोडक्शन प्रोडक्शन, अरे क्या है उस लड़की का नाम, बुलाओ उसे। यस सर, क्या हुआ? कॉफी कहाँ है मेरा? सर आपने तो अभी अभी बोला और मैंने ऑर्डर किया है। शट अप, काम करना नहीं आता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किए हो? शूटिंग सेट पे 2 घंटे लेट पहुंचोगी
तो काम कैसे करोगी? हाँ सर, प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स, आई एम चेकिंग। डिस्गस्टिंग। प्रीतम कूल डाउन प्लीज, आई थिंक हमें इस लड़की को रिप्लेस करना होगा। ओ नो नो एंड्रिया, शी इज द बेस्ट, मेक श्योर कि वो हर हाल में हमारे साथ ही काम करे। ओके, आज यू विश। अब प्रीतम के साथ शूटिंग सेट पे रहके रूपल हर बात पे बहुत बेइज्जत होती थी। उसे नीचा दिखाना, उसके सामने ही दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, अपने हीरो होने का शो ऑफ करना, प्रीतम किसी में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी ये सब झेलते झेलते रूपल के आंखों में आंसू आ जाते थे, पर वो खुद को संभालती थी। आखिर ये सब उसके लिए बस काम ही तो था। पिंटो, जॉर्ज, राकेश, प्रीति, मुझे प्रीतम का सारा कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स जल्दी से पैक करके दो। 3 बजे शूटिंग स्टार्ट होगा, मुझे अभी निकलना है। रूपल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शूट 3 बजे है और अभी बस 11 बजे हैं। एंड यू वांट टू लीव नाउ? अनुराग, शूटिंग चाहे जब भी स्टार्ट हो, मैं अगर 3 घंटे पहले नहीं पहुंची तो प्रीतम सबके सामने मेरा मजाक बना के रख देगा। इंटेंशनली कुछ ना कुछ गलतियां निकाल के मुझे सुनाता रहता है। खैर, ये तो मेरा काम है। अब बस 10 दिनों की बात, फिर शूटिंग खत्म हो जाएगा और इस प्रीतम की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी मुझे। रूपल, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि प्रीतम इज बदरिंग यू अलॉट। तुम कहो तो मैं तुम्हें रिप्लेस करके और किसी को प्रीतम के प्रोजेक्ट में असाइन कर दूंगा। नहीं अनुराग, बीच प्रोजेक्ट में हार मान के मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। और 10 दिनों की ही तो बात है, बस उसके बाद सब खत्म। रूपल, एक बात बताओ, क्या कॉलेज के टाइम तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? प्रीतम तो और किसी के साथ भी ऐसे बर्ताव नहीं करता। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में वो एक बहुत अच्छा बंदा है, फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है? अनुराग, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। सी यू, बाय। रूपल, मेरे बातों को ऐसे इग्नोर क्यों की? खैर, लगता है मुझे शूटिंग सेट पे जाना चाहिए। आज रूपल टाइम से बहुत पहले ही शूटिंग सेट पे पहुंच चुकी थी। पर ये क्या, प्रीतम तो पहले से ही गुस्से में बैठा हुआ है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। यस सर, क्या हुआ? मुझे ये जैकेट बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ इसे चेंज करके ब्लैक कलर का लेके आओ। पर सर, ये जैकेट तो आपने ही सिलेक्ट किया था, और ऐसे अचानक से मैं ब्लैक जैकेट कहां से ढूंढूं? शूट कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट केयर तुम क्या करोगी, मुझे जो चाहिए वही चाहिए। बस अब जल्दी से भागो और शोरूम में चेक करो। एंड आई वॉन्ट दैट जैकेट बिफोर 3 PM, इज दैट क्लियर? नॉट क्लियर प्रीतम। ओ अनुराग, हेलो, कम हैव अ सीट, लेट्स एंजॉय सम वाइन। थैंक्स प्रीतम, बट मैं यहाँ पे काम देखने आया हूँ, आपके साथ वाइन एंजॉय करने नहीं। और रूपल के साथ आपका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी दूसरे मैनेजर को असाइन करूँगा। ओ नो अनुराग, रूपल इज टू गुड, ट्रस्ट मी। अगर वो इतनी ही अच्छी है तो बिना मतलब उसे टॉर्चर क्यों करते रहते हैं आप? ओह कम ऑन अनुराग, आर्टिस्ट ऐसे बिहेव करते हैं? दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, इट्स वेरी नॉर्मल। और प्रोडक्शन मैनेजर का काम तो यही होता है ना कि आर्टिस्ट के डिमांड को पूरा करना। एंड आफ्टर ऑल शी इज जस्ट एन एम्प्लॉई, व्हाई आर यू सो कंसर्न्ड? नो रूपल, मेरे लिए बस एक एम्प्लॉई नहीं है, शी इज माई गर्लफ्रेंड। I'm in love with her and very soon we are getting married. Marriage? चलो रूपल, तुम यहाँ पे काम नहीं करोगी, और प्रीतम मैं आपके काम के लिए किसी और को भेजता हूँ। अनुराग, ये सब क्या था, मैं आपकी गर्लफ्रेंड? क्यों नहीं हो सकती, तुम मुझे बहुत पसंद हो रूपल, विल यू मैरी मी? अनुराग, अनुराग, आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ।
टेक योर टाइम रूपल, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बाद में तुम्हारा जवाब बता देना मुझे। आज रूपल मन ही मन बहुत खुश थी, इसीलिए नहीं कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक उसे प्रपोज किए, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने रूपल को अपनी गर्लफ्रेंड बता के प्रीतम की बोलती बंद कर दिए। रूपल को बहुत मन था कि वो प्रीतम को एक थप्पड़ मार के पूछेगी कि उसने इतना बड़ा धोखा क्यों किया था उसके साथ, पर आज हिसाब चुकता हो चुका है। अनुराग ने पूरे क्रू मेंबर्स के सामने प्रीतम को इतने अच्छे से जो सुना दिया, अनुराग को मैं क्या जवाब दूं? आई नो आई डोंट लव हिम, पर उनके जैसा इंसान कितनी लड़कियों के नसीब में होते हैं। ही इज अ जेम, सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। क्या मुझे उन्हें हाँ बोल देना चाहिए? पता नहीं। रूपल बहुत अच्छे से जानती थी कि अनुराग एक अच्छा इंसान है, वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी, पर फिर भी रूपल अनुराग को अपना जवाब नहीं दी थी। इसी बीच शूटिंग सेट पे प्रीतम अब रूपल के साथ मिसबिहेव नहीं करता था और ना ही बात करने का बहाना ढूंढता था, क्योंकि अनुराग ने प्रीतम को साफ साफ बता दिया था कि अगर वो फिर से रूपल को सताया तो प्रोडक्शन मैनेजर बदल दिया जाएगा और जरूरत पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होगा। आंड्रिया, मेरा ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दो। सर, आपका ब्लैक कॉफी रेडी है, मैं पहले से ही मंगवा दी हूँ। ओह, थैंक्स रूपल। और सर, अगर आप कुछ देर के लिए फ्री हैं, तो थोड़ा ड्रेसिंग रूम में आइए, मुझे कुछ कॉस्ट्यूम्स फाइनल करनी है कल के शूट के लिए। हाँ ठीक है, चलो। आजकल प्रीतम बहुत दुखी दिखता था, शायद इसीलिए कि रूपल अनुराग से शादी करने वाली है और अब वो रूपल के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। कल शूटिंग खत्म हो जाएगा, फिर मैं रूपल से नहीं मिल सकता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो मेरे साथ धोखा की है और उसे बदला लेने के लिए मैंने उसे शूटिंग सेट पे बहुत परेशान किया है, पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। ऐसा लगता है जैसे रूपल हमेशा मेरे सामने रहे। उफ। आज शूट का आखिरी दिन है, थैंक गॉड इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी और कुछ दिनों के लिए जी भर के रेस्ट करूंगी। फिर मैं अपने लाइफ में कभी भी उस प्रीतम के प्रोजेक्ट में काम नहीं करने वाली। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, शायद कोई जानबूझकर हमें अलग करना चाहता है, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर क्यों जा रही हो दूर? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ऐसे मुंह छुपाए दूर चले जाना बहुत आसान है, इसीलिए क्यों चले जाना चाहती हो ये मेरे सामने आज बोल के ही जाओ। बहुत दर्द होता है अगर कोई अपना ऐसे बिना कुछ बताए दूर चले जाए तो। तुम नहीं समझोगी नताशा। ओ शट अप प्रीतम, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नताशा, नताशा मत जाओ, आखिर एक बार खुल के बात तो कर लो। कट, शूट इज ओवर, पैक अप। शूटिंग खत्म हो गया था, रूपल और प्रीतम अब नहीं मिलते थे। रूपल एक तरह से पूरा फ्री हो गई थी, पर वो प्रीतम को थोड़ा बहुत मिस जरूर करती थी। रूपल। हाँ अनुराग, क्या हुआ? कल शाम को तैयार रहना, प्रीतम के पार्टी में जाना है। प्रीतम के पार्टी में? क्यों, क्या हो रहा है? अरे उसने तो इनवाइट किया था ना, क्या तुम भूल गई? ओ अच्छा, उस दिन तुम लीव पे थी, वो आया था यहाँ पे हम सबको इनवाइट करने। किस बात की इनविटेशन, क्या हो रहा है? सगाई, प्रीतम की सगाई हो रही है। सगाई? क्या हुआ रूपल, तुम इतना टेंस क्यों हो रही हो?
तुम्हारी नहीं प्रीतम की सगाई हो रही है। नहीं अनुराग, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं कल शाम को। प्रीतम के साथ रूपल फिर से जुड़ेगी, ये तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर भी प्रीतम की सगाई की बात सुनकर रूपल को जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं क्यों इतना प्रीतम के लिए पॉजिटिव हो रही हूँ? अच्छा होगा अगर वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए तो। कितना रोई हूँ मैं उसके धोखे की वजह से। पता नहीं किससे शादी करने वाला है। शायद वही लड़की होगी जिसने मुझे बेइज्जत करके उसके रूम से भगाया था। खैर मुझे क्या, अनुराग के साथ पार्टी अटेंड करने जाऊंगी और खा पीकर वापस चली आऊंगी। अगले दिन शाम को अनुराग और रूपल दोनों प्रीतम की सगाई में पहुंचे। ओह वेलकम वेलकम अनुराग एंड रूपल। मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि रूपल नहीं आएगी, पर रूपल मेरे सगाई में ना हो तो मजा ही नहीं आएगा सच में। वैसे आप दोनों की सगाई कब हो रही है? देखते हैं प्रीतम, जब रूपल तैयार होगी तब कर लेंगे। फिर तो अनुराग तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, क्योंकि क्या पता अगर रूपल मैडम रातों रात और किसी के साथ भाग गई तो। व्हाट, ये क्या बोल रहे हो प्रीतम? ओ कम ऑन अनुराग, अरे 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 रूपल मैडम की शक्ल तो देखो कैसे गुस्से से लाल हो गई है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कूल। तुम भी ना प्रीतम, ये आर्टिस्ट लोगों का एक्टिंग पकड़ना बहुत ही मुश्किल है ना रूपल? शायद। सगाई की पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी, नाच गाने खाने पीने में सब मशगूल थे। अनुराग, ये प्रीतम की सगाई किसके साथ हो रही है? यहाँ स्टेज तो पूरा खाली पड़ा है, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। अरे वो रही, देखो वो ग्रीन ड्रेस में जो लड़की आ रही है ना, वही है शालिनी। और प्रीतम के पार्टी में उसके साथ स्टेज पे खड़े होने जा रही है। क्या तुम उस लड़की को जानती हो? अनुराग, I'll be back। रूपल शालिनी को प्रीतम के साथ देखते ही बिना देर किए उसके पास चली गई। शालिनी, तू यहाँ पे कैसे? रूपल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं यहाँ पे कैसे? तुम्हें सच में नहीं पता? अरे रे रे, मैं ही तो हूँ द सुपरस्टार प्रीतम की होने वाली पत्नी, और आज प्रीतम के साथ मेरी सगाई है। फिर मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा, बताओ? क्या प्रीतम तुमने इसे कुछ भी नहीं बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? ओ शालिनी, अब ये सब बातों का क्या मतलब? छोड़ो ना, जाने दो। धोखा करने वाले कभी खुश नहीं रहते, ये भी नहीं रहेगी। और एक तुम हो जो उस वक्त से जब ये मुझे छोड़ के धोखा देके चली गई थी तब से मेरे साथ हो। मेरी लाइफ की हर एक स्टेप में मैंने तुम्हारा सपोर्ट पाया है। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। प्रीतम और शालिनी दोनों मिलके रूपल को ऐसे सुनाए कि वो वहाँ पे और एक मिनट भी खड़ी नहीं रह पाई और रोते रोते सीधा अपने घर चली गई। रूपल को अचानक से क्या हो गया? वो पार्टी छोड़ के क्यों चली गई? और उसके आंखों में आंसू थे, वो तो कभी किसी के सामने नहीं रोती। फिर यहाँ पे पार्टी में सबके सामने, मुझे उससे मिलना चाहिए। रूपल, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और वहां पार्टी से ऐसे चली क्यों आई? अनुराग प्लीज मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। रूपल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ
ये शेयर नहीं कर सकती कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है। प्लीज टेल मी, प्रीतम और तुम्हारे बीच हुआ क्या है? प्रीतम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। व्हाट? हाँ, कॉलेज के दिनों हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी रूममेट शालिनी, मुझे हमेशा प्रीतम के बारे में उल्टा सीधा बोलती रही। उसके कैरेक्टर सही नहीं है, मेरे साथ वो धोखा कर रहा है, ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ बोल के मुझे उससे दूर करना चाहती थी। फिर हमारे फेयरवेल पार्टी नाइट को, रूपल अनुराग को फेयरवेल पार्टी में जो जो हुआ था सब खुल के बोल दी। और अगले दिन सुबह जब वो प्रीतम के घर पे पहुंची तो उस आधी कपड़े वाली लड़की ने उसे कैसे बेइज्जत करके वहां से भगाया ये भी बताई। और उसी वक्त मैं सीधा अपने घर चली आई, फिर प्रीतम से कभी बात नहीं की। और फिर सालों बाद हम दोनों हमारे ऑफिस में मिले। और प्रीतम, वो तुमसे बात करने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं, कभी नहीं। और देखो ना, आज जो लड़की उसकी मंगेतर है वो और कोई नहीं, मेरी वही रूममेट शालिनी। और वो दोनों तब से एक साथ हैं, जब से मैं वहां से चली आई। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। रूपल, आई थिंक देयर इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मानता हूँ कि प्रीतम एक हीरो है, उसके पीछे लड़कियां पागलों की तरह पड़ी रहती हैं, पर मैं उसे अच्छे से समझता हूँ। वो कैरेक्टरलेस नहीं है, मुझे लगता है इस सबके पीछे वही शालिनी है। क्या जिस वक्त तुम्हें वो लड़की प्रीतम के घर से भगाई, प्रीतम वहां पे था? नहीं, वो वहां पे तो नहीं था, शायद अंदर सो रहा था। ओ रूपल, तुमने वहां पे प्रीतम को देखा ही नहीं, तो फिर ये कैसे मान ली कि प्रीतम ने उस लड़की के साथ रात बिताया था? ये एक साजिश भी तो हो सकती है ना। तुम अभी के अभी चलो और प्रीतम के साथ डाउट क्लियर करो। अनुराग रूपल को लेकर प्रीतम के घर पे पहुंचा। तब तक पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। रूपल, तू यहाँ पे क्यों आई है? मुझे प्रीतम से बात करनी है, पर उससे तेरे साथ कोई बात नहीं करनी। कौन है शालिनी? कोई नहीं बेबी, तुम रेस्ट करो ना, मैं आ रही हूँ। चुपचाप चले जा यहाँ से। प्रीतम, प्रीतम बाहर आओ, प्रीतम मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, प्रीतम। रूपल, तुम इस वक्त? अनुराग, आओ आओ अंदर आओ। क्या बोलना है तुम्हें, जल्दी बोलो। प्रीतम, फेयरवेल पार्टी के नाइट जब मैं हेडेक के वजह से वहां से चली आई, उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था, ये सब क्यों पूछ रही हो? जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जाने दो ना बेबी, चलो रेस्ट करते हैं, ये लड़की बात करने के लायक ही नहीं है। हेलो शालिनी मैडम, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। रूपल, तुम बात करो। तुम बताओ प्रीतम, क्या हुआ था उस रात, प्लीज। उसके बाद पार्टी चलता रहा और आधी रात को हम सब अपने अपने घर चले गए। मैं सोने जा ही रहा था कि तभी शालिनी मेरे घर पे आई थी अपने दो सहेलियों के साथ। प्रीतम, आई नो इस वक्त तुम्हें ये सब बोलना ठीक नहीं है, पर मेरी सहेलियां काफी दूर से आई हैं, इतनी रात गए वापस नहीं जा सकते। क्या तुम इन्हें अपने रूम पे रहने दोगे, बस आज रात के लिए, प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम, ये दोनों यहाँ पे रह सकते हैं, मैं बगल में अनूप के घर पे चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह, शालिनी तो बहुत अच्छा खेल खेलती है। और अगले दिन सुबह क्या हुआ तुम्हें शायद पता नहीं। सुनो, जब मैं तुमसे मिलने वहां पे पहुंची, उस लड़की ने रूपल को जो सब बोल के वहां से भगाया था, रूपल एक एक करके सारी बातें प्रीतम को सुनाई। व्हाट, ये सब? प्रीतम प्लीज, तुम इसके बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। आई लव यू बेबी।
और इस सब के बाद मैं दुखी होकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई और इस उम्मीद में जीती रही कि शायद किसी दिन तुम मुझे कॉल करोगे, पर मुझे कभी कॉल नहीं आया। रूपल, अगले दिन मुझे शालिनी ने कुछ और ही बताया था। प्रीतम, ये लो तुम्हारे घर का चाबी, मेरी सहेलियां चली गई हैं। एंड थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा शालिनी, मेरा एक काम करो, रूपल को थोड़ा बुला दो ना। तुम्हें मैं हजार बार समझा चुकी हूँ कि रूपल जितनी भोली भाली दिखती है वैसी है नहीं। उसके न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है, पर तुम तो कभी मेरे बातों का यकीन नहीं करते। अरे शालिनी, कुछ भी बोलती हो। अच्छा, मैं कुछ भी बोलती हूँ। प्रीतम, रूपल कल रात को जब पार्टी में बहाना बना के वहां से चली आई तो वो हॉस्टल नहीं आई, अपने आशिक के साथ भाग गई है। वो व्हाट, भाग गई है? हाँ, उस लड़के के साथ रूपल की शादी भी फिक्स हो चुकी है। वो दोनों अगले महीने शादी करने वाले हैं। रईस लड़का है। प्रीतम, रूपल तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, बस थोड़ा टाइम पास कर रही थी, पर तुम्हें कभी समझ नहीं आया। अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो उसके कॉल का इंतजार करो, मुझे पता है वो तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगी, कभी नहीं। ठीक है, लेट्स सी। मैं और क्या करती, कॉलेज में एडमिशन लेते ही मैं जब प्रीतम को पहली बार देखी तब से मुझे इसे प्यार हो गया था। मैं प्रीतम को हर हाल में पाना चाहती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और मुझे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं। गेट लॉस्ट, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। प्रीतम, मैंने हर स्टेप में तुम्हारा सपोर्ट किया है, तुम आज जो भी हो मेरे वजह से हो। डोंट फॉरगेट बेबी, तुम मुझसे प्यार करते हो। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं धक्का मार के निकाल दूंगा। रूपल, मुझे माफ कर दो। तुम भी मुझे माफ कर दो प्रीतम, आई लव यू। आई लव यू टू। किसी को खोकर भी उसी को चाहना हर किसी की बस की बात नहीं। प्रीतम और रूपल की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।